उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देख के कहीं ना कहीं दिल में डर है कि कहीं वही ये नहीं नब्बे का कह सकते हम दशक। किसी के कि पिताजी का जो रहा किसी का भी, मान लेते हैं कि हमारे पिताजी क्या करते थे, मान लो मैं दूरी करता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका बेटा वही करेगा। लालटेन के बटन दबाने से 20 लालटेन चुका जाएगा, बिजली खत्म हो जाएगा, ये तो वही बात हो गई ना पुराना माइंड का सोच रखने से। कि वो अपने कार्यकर्ताओं पे लगाम नहीं लगा पाते हैं, जिस आरजेडी अगर आती है तो कहीं वो दौर वापस ना आ जाए, इस बात को बीजेपी भी उठा रही है, नीतीश कुमार भी अपने रैली में उठा रहे हैं। बताइए आप सरकार के कुछ कामकाज के बारे में बता सकते हैं कि वर्तमान सरकार है उसके कामकाज से आप संतुष्ट हैं कितना? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। वर्तमान जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार की जी, या बीजेपी में एनडीए की सरकार है, उससे बिल्कुल असंतुष्ट हैं हम, क्योंकि रोजगार के मामले में पूरी एनडीए सरकार फैल रही है और गरीबी मिटाने के बाद हो या बिहार में पलायन रोकने के मामले में सर हर जगह जो है एनडीए सरकार फैल रही है। और दूसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बिहार में, ताकि इंडस्ट्री यहाँ आ सके या प्राइवेट सेक्टर आ सके, उसमें भी जो बिहार सरकार पूरी तरीके से फैल रही है। सरकार तो कर रही है, यहाँ समुद्र नहीं है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लगेगी। इस यहाँ पे देखिए समुद्र हर स्टेट का देखिएगा, अगर राजस्थान देखिए, पंजाब हरियाणा देखिए या बिहार में ही पहले ही अगर देखे जाए 90 के पहले बहुत अच्छी इंडस्ट्री चल रही थी, ठीक है। या यहाँ पे आपको एमपी में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ भी लगी है। तो समुद्र का कोई मायना नहीं रखता है, क्योंकि आज का ज़माना बहुत डेवलप हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसमें समुद्र का कोई मतलब नहीं। इच्छा शक्ति का मामला आपको दिखाई बहुत पुराना सोच की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, अगर ऐसी बात करते हैं तो उनकी वो उनकी सोच बहुत पुरानी हो चुकी है, अब उनको बागडोर संभालने के लिए युवा पीढ़ी को दे देना चाहिए। तो अभी आपके पास आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्या नाम हुआ, शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मनीष हुआ। मनीष हुआ, वर्तमान सरकार से आप कितना खुश हैं? देखिए खुश तो नहीं है, लेकिन दूसरा कोई विकल्प भी नज़र नहीं आ रहा है, तो क्योंकि नीतीश कुमार के शासन में रोजगार तो यहाँ से बिहार से पलायन ही हो चुका है, और उनका जो मेंटलिटी है वो मतलब बस रोड नली गली तक ही सीमित है, वो विकास बस इसी को समझते हैं कि रोड बना दिया, लाइन पहुँचा दिया, बिजली पहुँचा दिया, बस हो गया। पर इससे मूलभूत सुविधा रहने के लिए तो पूरा हो सकता है, लेकिन जो लोगों का जो युवा का जो मेन जो चीज़ है जो रोज़गार, वो नहीं दे पाए हैं। तो उनको नियमता तो उनको मुख्यमंत्री के लिए नहीं रेस में से खुद ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, हट जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा समीकरण बना के लोगों को मजबूर कर रखा है कि आज के डेट में मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि मैं वोट करूं तो किसको करूं। तो इस बार मैं इलेक्शन में वोट करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप नोटा दबाएंगे जी? नोटा दबाएंगे? जी हाँ, मैं नोटा दबाऊँगा, क्योंकि अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं नोटा दबाने के लिए, मेरे हिसाब से नोटा की अहमियत तब होती जब नोटा अगर प्रत्याशी से ज़्यादा वोट लाता और प्रत्याशी का जो है विधानसभा इलेक्शन वहाँ रद्द हो जाता। लेकिन नोटा से होगा क्या कि आप जैसे अच्छे लोग अगर नोटा को दबा देंगे तो फिर से वही बेईमान लोग, भ्रष्टाचारी लोग चुनाव जीत जाएंगे। तो जो दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन है या चार ऑप्शन है आपके विधानसभा में, हो सकता है 24 लोग खड़े हों, 15, उनमें से किसी अच्छे आदमी को तो आप मत कर। देखिए नोटा का विकल्प क्यों बनाया गया है, नोटा का जो विकल्प है वो जो इलेक्शन कमीशन ने जो बनाया है वो इसलिए बनाया गया है कि कितने प्रतिशत जो वोटर हैं वो इन सारे प्रत्याशी में से किसी को नहीं पसंद करते हैं। तो एटलीस्ट हम लोग जो वोटिंग करते हैं वो ना कि मेरा जो सोच है वो ना कि एमएलए के लिए, बल्कि एक अच्छा जो मुख्यमंत्री हो लोग उसको चुनते हैं। अच्छा। तो मुझे अभी बिहार में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं नज़र आ रहा है जिसको जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार हो। अच्छा, समीकरण की बात को छोड़ दें, जाति की बात, पार्टी की बात छोड़ दें, बिहार में जो अभी मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में लोग अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें है एक नंबर पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, पुलस की पुष्पा प्रिया, किसको पसंद करेंगे आप? देखिए मैं जो नीतीश कुमार का 15 साल का शासन काल रहा है उससे बिल्कुल नाखुश हूँ। तेजस्वी से कहीं ना कहीं लोग चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देख के कहीं ना कहीं दिल में डर है कि कहीं वही 90 का दशक। किसी के पिताजी का जो रहा किसी का भी, मान लेते हैं कि हमारे पिताजी क्या करते थे, मान लो मैं दूरी करता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका बेटा वही करेगा। तो पिताजी की सोच को इतर आप बेटा के सोच को आप नहीं मान सकते कि जंगल राज ले आएगा और उसे कहाँ से पुरानी जो सब कुछ लौट आएगी, क्योंकि उसका शासन तो अब आया है और वो बहुत ही नए सोच के हैं। ऐसा नहीं है, क्रिकेट में खेले हैं, दिल्ली तक हो, रणजी ट्रॉफी तक खेले हैं, तो सब कुछ देख चुके हैं कि जाति प्रथा से ऊपर उनका सोच है। समस्या आरजेडी के साथ क्या समस्या है, आरजेडी में तेजस्वी कोई
खराब व्यक्ति नहीं है, नौजवान हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो 90 के दशक में जो देखा गया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं पे लगाम नहीं लगा पाते हैं, जिसके चलते बहुत सारा चीज़। तेजस्वी यादव तो उस समय बच्चे थे, बहुत समय बच्चे थे तेजस्वी, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी ख़राब हैं, लोग असमंजस में हैं, पब्लिक असमंजस में है कि RJD अगर आती है तो कहीं वो दौर वापस ना आ जाए। इस बात को BJP भी उठा रही है, नीतीश कुमार भी अपने रैली में उठा रहे हैं कि अगर RJD आएगा तो ऐसा ऐसा हो सकता है। लोग लॉ एंड ऑर्डर के लोग समस्या लोगों में बन रही है। अभी हम देखेंगे तो गोपालगंज में 13 मर्डर कांड हुआ, जिसमें पप्पू पांडे जी जदयू के प्रत्याशी हैं, अभी फिर से उनको टिकट दे दिया गया, विधायक रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बात करें तो शेल्टर होम कांड में है, सो पूरा बिहार शर्मसार हुआ था। तो लॉ एंड ऑर्डर उस समय भी तो बिगड़ा था, उस पर सरकार के द्वारा है सो कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनता जब आंदोलित हुई, पत्रकार जब जाके उस मुद्दों को उठाए, तो फिर तो क्या ऐसा लगता है कि दोबारा से अगर RJD की सरकार आएगी, अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना, तो आम पब्लिक चुप रहेंगे, हमारे जैसे पत्रकार चुप रहेंगे? नहीं, आज जो है युवा जो है इस चीज़ के लिए चुप नहीं रहेगी। अब आज जब वो दौर नहीं है कि 2005 के पहले का दौर है जब मीडिया नहीं थी, पहले मीडिया अखबार तक सीमित थी। अब हम लोग डिजिटल युग में लग रहे हैं, यूट्यूब पे इतने सारे चैनल बन रहे हैं, बहुत सारे और चैनल बढ़ गए हैं। तब कोई भी चीज़ अगर कोई भी एक किसी के साथ अगर कोई छेड़छाड़ भी होता है कि लड़के के साथ, या कोई मर्डर अगर बहुत बड़ी चीज़ हो गई, अब तो मर्डर के लिए पूरी हथरस में कांड हुआ था, सरकार बचाने में पूरी मीडिया जो है उसके लिए आ जाती है। तब वो युग आप सोचिएगा कि अब आ नहीं सकता, हो पॉसिबल नहीं है। अब सोचिएगा क्या, बोलिएगा कि लालटेन अगर बटन दबाने से 20 लालटेन युग आ जाएगा, बिजली खत्म हो जाएगा, तो वही बात हो गई ना पुराना माइंड का सोच रखने से। अब मान लेते बिजली बत्ती घर में आ गया, अचानक से लालटेन आ जाएगा, क्या लगता है? मतलब फिर भी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से जो लोग खफा हैं उनका फ़ायदा तेजस्वी को ज़रूर मिलेगा, और कहीं ना कहीं सरकार बने चाहे ना बने, लेकिन जो वोट परसेंटेज है वो जदयू से RJD का आगे ज़रूर आएगा। और रही बात समीकरण की, तो NDA का तो समीकरण बहुत मजबूत ही रहा है हर बार, वो थोड़ा बहुत तोड़ जोड़ में भी विश्वास रखते हैं लोग। तो देखिए बराबर का टक्कर है, बराबर का टक्कर है, ये नहीं कहा जा सकता कि तेजस्वी पीछे हैं। हाँ, आगे आएगा नहीं कहा, ये नहीं कहा जा सकता है, ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार से लोग बहुत नाखुश भी हैं, उसका फ़ायदा तेजस्वी को मिल सकता है। तो ये बात बता रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के 15 सालों का जो कामकाज है उस कामकाज से लोग नाखुश हैं, और इसका फ़ायदा जो है सो तेजस्वी यादव यानी कि राजद को, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना है उस महागठबंधन को मिल सकता है। तो ये तमाम बातें हम यहाँ के युवाओं के बीच में, दो युवा साथ में थे, दोस्त थे, लेकिन राजनीतिक वैचारिकता अलग अलग थी, और इनके बीच के आपसी बातचीत को हमने डी पीपल वॉइस के माध्यम से दिखाया आप सबों के पास। इसी तरह से जो डी पीपल वॉइस है, आम जनता की आवाज़ है, आम जनता के लोगों के मन में क्या है वो निकाल कर आप लोगों तक लाता रहता है। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहें डी पीपल वॉइस के साथ।